मुस्कान सा लगे। You people, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2018 के छठे संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पांच दिवसीय इस फेस्टिवल का आज पहला दिन है, तो मैं चाहूंगा आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, जस्ट टू एनलाइटन द एनवायरनमेंट आई जस्ट मे आस्क यू पीपल टू गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। थैंक यू। आज इस महोत्सव का पहला दिन है और आप आगाज करने जा रहे हैं इसी के साथ के सीरीज के द्वारा बनाए गए एक नए सॉन्ग सोगा तेरी का फर्स्ट लुक लॉन्च भी आज किया जाएगा, जिसे मोहम्मद इरफान जी ने अपनी मखमली आवाज से सजाया है और सारा खान व अनिरुद्ध दवे जी ने अभिनय किया है, करण राज सोलंकी जी का निर्देशन है। लेकिन इससे पहले कि हम आगाज करें, मैं सबसे पहले हमारे डिग्निटरीज जो यहाँ पर हैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा पुष्पांजलि के लिए। तो सबसे पहले कॉलेज से वाइस चांसलर सर डॉक्टर प्रोफेसर धर्म बुद्धि सर, ओके, एंड डीन एकेडमिक्स डॉक्टर दिनेश गोयल सर, कैन यू हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम प्लीज। डीन स्टूडेंट वेलफेयर रुचि दवे मैम, एंड प्रिंसिपल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा सर, और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल से अनिरुद्ध दवे सर, मजूदा ताजा होगा, नेहा श्री मैम, क्षितिज कुमार सर, अनिल कुमार जैन सर, संजना मैम, सुखबीर सिंह सर, हुकुम सिंह जी एंड दीप कंवर, मजूदा तालियां होता है सभी डिग्निटरीज और अपने आप के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत ही जल्द जिसके लिए हम सब यहां पर हैं, सौगात तेरी का फर्स्ट लुक लॉन्च और आपके ही साथियों ने जिस प्ले के लिए मेहनत की है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। परिचय के मोहताज नहीं है जो आज हमारे बीच हैं, इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज करे, वेब सीरीज की है, मूवी की है, वो रहने वाली महलों की एक सीरियल सूर्यपुत्र करण सीरियल, यारों का टशन, कितने लोगों ने सुना है यारों का टशन, देखा भी होगा सबने, ओके, अनटचेबल्स वेब सीरीज कितने लोगों ने सुना है सबने, जिंदाबाद ये भी एक वेब सीरीज है, और शोरगुल एक मूवी जिसमें आप लोगों ने उनको देखा होगा, उनका नाम है अनिरुद्ध दवे जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस, राजस्थानी फिल्मों की प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस नेहा श्री जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए नेहा श्री जी। राजस्थानी फिल्मों के बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, हमारे साथ हैं क्षितिज कुमार सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही हमारे साथ हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के प्रोग्रामिंग हेड अनिल कुमार जैन सर, और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर संजना मैम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के मेंटोर सुखबीर सिंह सर, शिव ज्वेलर से हुकुम सिंह जी, और शिव ज्वेलर से ही दीप कंवर जी,
All right. एक बार सबके लिए जोड़ लेता है प्लीज। इसके बाद मैं आगे का कार्यक्रम आप लोगों से शेयर करने के लिए आई लाइक टू इनवाइट राजस्थान फिल्म फेयर्स प्रोग्रामिंग हेड अनिल जोशी सर प्लीज फ्री है ही हियर प्लीज। मैं अनिल कुमार जैन प्रोग्रामिंग हेड राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2018 में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है क्या और इसकी शुरुआत हमने क्यों करी। ये सीरीज ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम से थी लेकिन कुछ आर्टिस्ट हम लोगों के बोलते थे कि मैम जैसे भार आईफा या फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं लेकिन राजस्थान की भाषा कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जिससे कि हम अपने टैलेंट को दिखा सकें। इसी चीज़ को आगे करने के लिए 28 सितंबर 2013 को हमने आरएफएफ की एक नींव रखी जिसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि राजस्थान की भाषा कला संस्कृति और कलाकारों को प्रमोट करने के लिए एक अवार्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो अपनी मातृभाषा को प्यार करना चाहते हैं सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं लेकिन उसको एक्सपोज कैसे करें उसको महसूस कैसे करें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये अवार्ड फंक्शन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमने ये जो फंक्शन था वो एक दिन का था फिर हमने इसको दो दिन का किया तीन दिन का किया लेकिन इस बार हमारे फेस्टिवल पाँच दिन का है। पाँच दिन का जो फेस्टिवल है उस पाँच दिन का फेस्टिवल करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा था कि यूथ और जो जनरेशन है उसको हम राजस्थानी भाषा से कैसे जोड़ें। तो आज हमारे सिक्स्थ एडिशन का ये फर्स्ट डे है जिसके तहत हम अपने महोत्सव का आगाज करेंगे और आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो मैं प्रेक्षक रहेगा कंचन कैसे सीरीज की तरफ से जो एक ऑडियो गाना बनाया गया सौगात तेरी जिसको मोहम्मद इरफान ने अपनी मखमली आवाज में गाया और बॉलीवुड एक्टर मोहित सॉरी अनिरुद्ध दवे जिन्होंने इसमें एक्ट किया है और डायरेक्शन किया है करणनाथ सोलंकी ने। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा इवेंट है फाइव डेज के अंदर हम लोगों ने ये किया है कि स्कूल और कॉलेज के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसका हमारा एक फंक्शन होगा 28 तारीख को। तो हमने जो एक्टिविटीज़ करी हैं वो और तीन दिन हमारा जो कॉलेज का प्ले होंगे उसको हम अवार्ड देंगे 28 तारीख को और 29 तारीख को होगी हमारी अवार्ड सेरेमनी। जूरी के रूप में आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भोजपुरी और राजस्थानी फिल्मों की एक्ट्रेस नेहाश्री जी बॉलीवुड एक्टर अनिरुद्ध दवे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यारों का टेंशन वो रहने वाली महलों की फुलवा बंधन और राजस्थानी फिल्मों के रीजनल स्टार भोजपुरी फिल्मों के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं क्षितिज कुमार जी और आरएफएफ की फाउंडर और डायरेक्टर संजना शर्मा जी और साथ ही हमारे स्पॉन्सर्स का काफ़ी सहयोग रहा जिसमें शिव ज्वेलर्स हमारे साथ हैं। इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। So, in this day modern world, technological advancements and scientific progress have caused a huge globalization, the effect of which has crossed the boundaries of Earth and reached the globe. Though they have modernized and transformed themselves according to the technological reforms, but still haven't quite fully adapted themselves according to the human thinking. With the increasing in modernization, the imbalance of the mother nature has also increased. This has led even the devs of the Devlok to worry about. So, on this stage today, let's see what the devs have to say about this. Welcome to Devlok. Let's start with the first and the foremost to the primal Brahman, the creator of all. Yeah.
जय गुड मॉर्निंग भेजा इंद्रानी जी ने दुर्गा माँ ने ही भेजा आज थोड़ा जोक वोक भेज देता हूँ इनको तो सरस्वती जी है जाकर तो ब्लॉक मारा था मैंने नए नंबर से मैसेज कर रही है मेरे तो भाई काम बहुत है फिर क्यों भर रहा है तू चैन नहीं है कर जा तो नोटिफिकेशन ना लग गया जब तो नहीं हो ना जा नंबर को जा कहाँ कर दिया तुम लोगों ने जा कहाँ सुबह सुबह दिखा दिया हमारे को जा कहाँ कर रहे हो तुम Now, entering on stage is the god of thunder. No, no, guys, don't misunderstand me. I am not talking about Thor. It's Indra, the king of God, along with his beautiful wife, Indrani. Look at Charles, the Charles is born to choose a center. इन्होंने परमाणु गोला का आविष्कार करके पूरी पृथ्वी को खत्म करने की वो ताकत हासिल कर ली क्या पूरी पृथ्वी हमारे बच्चे से भी ज्यादा शक्तिशाली हमारे बच्चे से भी क्या बोल रहे हैं आप अब आएंगे आपके सामने वो जो हमेशा गलत जगह सही समय पे पहुंच जाते थे अपना मत रखना जिसका सब कुछ है आखिर गुप्तचर जो है देव लोगों की इस बारे में हमारे वो महादेव
वो तो हमेशा सुबह निद्रा मस्ता मेरे नींद रहता है। अच्छा तो इसका समाधान के लिए हमें अभी क्या करना चाहिए? क्या इंडियन समाज उठाए अब आ रहे हैं आपके सामने द गॉड ऑफ फायर। ही इज सो हॉट। Coming on stage is next the god of skies and water who always goes with the flow. हाँ मामा बोल। हाँ गाड़ी जोर से पड़ लेगी, आवाज नहीं आएंगे। क्या नहीं है? आप इंद्र आपका बात नहीं करते। हाँ हेलो पवन देव। हाँ मामा। इधर हो। मैं यहाँ पृथ्वी में आया था, बड़े बड़े बिल्डिंगों में फंस गया, वापस जाने का रास्ता भूल गया। जय सुनने का बाकी रह गया था क्या? पवन देव भी फंस गया। फंस गया नहीं, फंस गया। हेलो हेलो राजा के जैसा प्रस्तुत कर रहा है। अभी जो काम यह उपस्थित हमारे ब्रह्मदेव, हमारे देवर्षि नाथ, हमारे प्रिय अग्निदेव और ये बलदेव, आप सभी को पता होगा कि आप पृथ्वी के ऊपर गंभीर संकट है। इन इंसानों ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया जिसके कारण अब समस्त पृथ्वी का बिना निश्चित है। तो अभी इस सब का क्या समाधान है देवरो? क्या समाधान है इन सब का? चीज कुछ बोले हमारे ख्याल से पृथ्वी को बचाना एक ही उपाय है। यूपी आई नो हाउ मच यू लव योर वर्क, क्यों ना हम पृथ्वी का सारी सिविलाइजेशन का खत्म कर देते हैं और एक नया पृथ्वी का शुरुआत करते हैं। सही बोल रहे, सही बोल रहे। हां ये सलाह मुझे सही लगा। अब ब्रह्मदेव मुझे बताए आपको ज्यादा पसंद है, लेकिन ये सलाह सही है। तो अग्निदेव हां आप जाइए पृथ्वी पे, जाके कहर बरसाइए आपका पृथ्वी वासियों के ऊपर। जाइए। अरे हम क्या कहर बरसाए? क्यों? अरे इन इंसान लोगों ने ना पहले से इतने सारे इक्विपमेंट बना के रखे हैं। कैसे? एक तो ये सर फायर अलार्म, फायर ब्रिगेड, आग जलने से पहले पूछा देते हैं। अरे आपका कुछ नहीं। अच्छा बोलूं बोल, एक काम करते हैं, चलिए हम दोनों मिल के जाते हैं, जाके बारिश लाते हैं, बाढ़ लाते हैं, समा देते हैं इन सबको समुंदर में। चलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? अरे ये तो इंसान लोग है ना जी,
ये बड़े बड़े डैम स्विस गेट बना के ना मेरे रास्ता को रोक देते हैं जी। अरे तो टूर देंगे ना? अरे नो जी नो, ये जो डैम है ना ये अंबुजा सीमेंट से बना होता है। Thank you.
Mata, please. Yeah, Mata, please, please. और कैसे लगा आप लोगों को प्ले? मस्त। अच्छा कितने लोगों को मस्त लगा जरा बता दे। अच्छा बाकी लोगों को मैं ये मान लूं मस्त नहीं लगा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, ठीक है? ओके, तो हमारे जजेस को कैसे लगा वो जानने के लिए मैं उन्हें स्टेज पर इनवाइट करता हूँ। अनिरुद्ध दवे सर, क्षितिज कुमार सर और नेहा श्री वैभव, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए प्लीज। It's our pleasure to be here, and as the play and detail is concerned, what I felt I would like to convey you, because everybody has its own feeling, impression and what comes output. So from my side, if you allow me, can I speak in Rajasthani if you know, because I am related with Marwadi. Okay, I will continue in Hindi and English. मुझे इसकी थीम बहुत अच्छी लगी और जो लास्ट में मैम ने जो बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वॉज अल्टीमेट। रही बात एक्टिंग की है, मुझे कुछ ऐसा लगा कि
बच्चों ने टाइम कम दिया है प्रैक्टिस के लिए, बट डायलॉग बहुत अच्छे थे, पंच था, आर्टिस्ट के अपने इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशंस है, जैसे नारद का अपना हंसते हुए उसको गिटार बजाने का है, जो तौर तरीका मैडम के लास्ट में जो नारी शक्ति का आया था, उनका जो एटीट्यूड है वो है, इंडिविजुअल आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल कॉम्बिनेशन आई फेल्ट कि इनका शायद रिहर्सल कम हुई है, बट आई लाइक इट। थैंक यू। Hello everyone, thank you so much for having us here today. I would like to tell you this thing, that I started my career from theater only when I was in Jaipur. So after completing my schooling from central school, I joined one workshop at Jawahar Kala Kendra and I started my career that I have to do something related in acting field. So my journey started from theater. So I cannot forget my salad days when I started doing theater. Ravindra Manch pe aana jana, Jawahar Kala Kendra mein alag alag natak hote the, unko karna improvised play hote the. To ye ek improvised play tha jisko bahut hi khoobsurat tarike se unhone present kiya. सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी में एक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, एक अलग मैनरिज्म था, एक अलग बॉडी लैंग्वेज था, एक अलग लिंगो था। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे थिएटर नहीं करते हैं, एक एमेच्योर लेवल पे शुरुआत करते हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा था। एंड आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन दे परफॉर्म शो में। ये चीजें, ये जो क्राफ्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, इसको जितना हम पॉलिश करते जाते हैं वो उतना बेटर होता जाता है। ही इज वेरी वेटरन, आई हैव बीन सीन हिम सिंस वेरी लॉन्ग। धीरे 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 करते करते लाइक ही इज डूइंग ब्रिलियंट इन फॉर राजस्थानी सिनेमा, बिकॉज वो स्किल को उन्होंने इतना ब्रशअप किया है। सो सिमिलरली आई रियली वॉन्ट एंड आई वुड लव टू टेल ईच एंड एवरी वन, ऑल द स्टूडेंट्स, दैट इफ दे वॉन्ट टू परस्यू देयर करियर इन दिस फील्ड, be it the acting or theater, so just keep up the good effort. कोई भी, वैसे तो acting हम सभी लोग करते हैं, हर रोज करते हैं घर पे, मम्मी पापा के सामने, स्कूल में, कॉलेज में, बट प्रोफेशनली अगर करना चाहते हैं तो एक अच्छी शुरुआत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई जस्ट गॉट टू नो फ्रॉम संजना कि जो अभी दो तीन दिन आगामी जो प्लेस आप लोग के होंगे, उसके बाद दे वुड सेलेक्ट, और उसके बाद वो लोग को एक शॉर्ट फिल्म भी बनाएंगे। इन दिनों शॉर्ट फिल्म का काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। आई एम ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम टेलीविजन टू डिजिटल स्पेस, तो दिस इज़ वेरी गुड कि यहाँ के ही और एक्टर्स जो हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कहीं पे शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका मिलता है, सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक दैट यू गाइस मस्ट अप्रिशिएट द इनिशिएटिव। बहुत अच्छा लगा। और वापस से, एज आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर, मैम रुचि दवे इज माई सिस्टर, yeah, so I'm so blessed that today we did that ceremony of Saraswati Ma together. And whatever I am doing today in Mumbai, उन लोगों का बहुत वो है, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है, स्पेशली माई ताऊजी also. So I really give respect and love to all my parents, and thanks to you all students. Thank you so much for love and respect. राम राम सा। सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनके पीछे, स्टूडेंट्स के पीछे इतनी मेहनत की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जैसे सर ने कहा कि इम्प्रोवाइज शो बहुत ही अच्छा था, और नारी शक्ति के जो उन्होंने किया है गर्ल ने, वो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हमेशा से मैं गर्ल्स को सपोर्ट करती आई हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। तो बहुत ही अच्छा शो लगा, और थोड़ा सा जैसे क्षितिज जी ने भी बोला है कि जल्दबाजी में हुआ है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का था, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने बहुत मैनेज किया, बहुत अच्छा शो था। एंड थैंक्स टू संजना जी जो इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है, और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को इतना आगे लेके जा रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जिन लोगों ने हमको इतना लव दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपनी जगह जाकर बैठ सकते हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए बोल रहा। और
let's move ahead for the teaser launch, ladies and gentlemen. और टीजर लॉन्च के लिए इससे पहले कि कर्टन यहाँ से हटे, मैं जो हमारे चीफ गेस्ट और सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। हमारे कॉलेज से डॉक्टर दिनेश गोयल साहब, रुचि मैम, सुशील कुमार शर्मा सर, अनिरुद्ध सर, नेहा मैम, क्षितिज सर, अनिल कुमार सर, संजना मैम, सुखवीर सर, हुकुम सर एंड दीप कंवर जी। गाने बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा होना वो बहुत बड़ी बात है। ए सीरीज का वाकई में प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, और जब प्रोडक्शन अच्छा हो तो गाने ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे बन जाते हैं। और इस बार की कास्ट वाकई में बहुत अच्छी थी। अनिरुद्ध सर अमेजिंग है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली काम करने। एंड सारा मैम अमेजिंग, उनके साथ काम करना लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक। सो आई एम गोना गिव द माइक टू अनिरुद्ध, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक व्हेनेवर यू मेक एनीथिंग, कुछ भी अगर आप कोई प्रोडक्ट होता है जो कि फिल्म, टीवी, थिएटर, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो होता है डायरेक्टर का ही, जो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, और जो प्रोडक्शन जो कि संजना जी ने कहा और किया वो ओवरऑल बहुत अप्रिशिएबल था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि यार मैं जयपुर से निकल के दिल्ली गया, वहाँ पे काफ़ी मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की काफ़ी फैकल्टीज के साथ थिएटर किया, उसके बाद फिर मैं मुंबई गया, तो मेरे लिए यह था कि वापस मैं जिस जगह से जयपुर से गया हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों के साथ वापस काम करना चाहिए। देन आई रियलाइज कि यही वो मार्केट है जो आगे आने वाले टाइम पे और लीप्स एंड बाउंड्स के साथ ग्रो होने वाला है। आज जयपुर में, राजस्थान में जितने मैक्सिमम शूट हो रहे हैं, और सिटीज में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक यूपी, उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी अच्छे शूटिंग, काफ़ी मोस्टली शोज यूपी बेस्ड होते हैं या फिर फिल्में आती हैं, बट राजस्थान इज अपकमिंग वन। सो आई सो वॉन्टेड टू वर्क इन माई ओन सिटी एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई डिड। So thankful to the entire team, and this director is, he's brilliant, he's so energetic. मुझे ये था कि यार direct कौन करेगा, ऐसे ही नहीं होगी कुछ एम ई टाइप बन जाए, but of course इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और बहुत कम टाइम पे। एंड आप लोग ने जो पिक्चर्स किए हैं दैट यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम अनिरुद्ध द ऑफिशियल पेज, एंड यू कैन टैग इट टू सारा खान ऑल्सो, शी विल बी जॉइनिंग अस ऑन 29 मोस्ट प्रोबेबली। So this is the entire scenario and we are so much looking forward. Aaj audio bhi ho jayega, so bada typical ek line hai, bada cliched hai, but share, subscribe and follow guys. So
आप लोग मुझे टैग भी कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, आई बी सो ग्रेटफुल टू यू ऑल. थैंक यू सो मच ज्ञानी, थैंक यू रोशी मैम. Why don't you demand some live action from the actor? I take this opportunity. I want to request all my students that please, you know, I'm a ridiculous mentor. I actually torture you a lot. I say that do the drama, do this, do that. So, you know, one of my students has nominated me as a ridiculous mentor. You know, so they have, you know, this is on Edureka. So Edureka has called me and said that you've been nominated. So I was so happy that, you know, yes, I'm doing my job well. So thank you guys. Thank you for nominating me. And then if you have any requests to make from the actor, you can. Live, he's here. You can ask him to do anything. He'll do it. See guys, music album is something completely a singer's craft, right? So it's just that sir only shot this video. So इससे related तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वो देख लीजिएगा, that would be better option. इसके अलावा if you want anything then. Better than any dance because I feel that acting is my craft. Yes. So, मैं अपने किसी शो का कोई एक डायलॉग I would love to do that. So, okay. Dance. Yeah. Okay. Dance. So, dance. Let me tell you. जस्ट आफ्टर यारों का ट्रेशन इनके से 5 महीने इतने पहले हम लोगों ने इसको शूट किया, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो करना, मैंने कहा ओके आई विल कम एंड द लोकेशंस वर आल्सो वेरी गुड, वेरी एक्सोटिक लोकेशन और अच्छा सा पैलेस था वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया. तो वेल इट वॉज जस्ट आफ्टर यारों का ट्रेशन. तो यारो वॉज अ मेल रोबो, फर्स्ट इंडियन टेलीविजन का रोबो. उससे पहले हम लोगों ने सिर्फ स्मॉल वंडर ही देखा था, ऐसा कुछ और था नहीं. सो मेरे लिए वो काफी चैलेंजिंग था, बिकॉज दे सेड कि यू हैव टू पोर्ट्रे, एंड लेट मी टेल यू, जो मैंने आज तक कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं डिक्लेयर किया, माय यारो द कैरेक्टर दैट आई शेप वाज कंप्लीटली, यू कैन से दैट इट वाज, आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम सीरी, द वे सीरी टॉक्स, जो एप्पल का आप लोगों ने देखा होगा या फिर आजकल गूगल के अंदर भी होता है, एक कंप्यूटराइज वॉइस के अंदर बोलते हैं. सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू फॉलो दैट, कि अगर मुझे कुछ बोले तो डिफरेंट स्टाइल में कैसे बोल सकते हैं जो यारो बोलता था. सो आई वुड लव टू शेयर दिस थिंग विद यू. दोस्तों आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके कॉलेज में आया. वेल ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे सब लोगों ने मुझे बुलाकर मेरा दिल बहुत खुश कर दिया. वैसे तो कहते हैं कि रोबो का हार्ट नहीं होता, लेकिन मेरे पास हार्ट है, और जब हार्ट है तो सोल भी है. और मैं अपने मम्मी और पापा जिन्होंने मेरा ये सिस्टम सीपीयू बनाया, उनका एक सॉफ्टवेयर बेस्ड क्रिएचर हूं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. Thank you so much, guys.
थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। और हमें यहाँ पर आने की परमिशन देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। कॉलेज के यहाँ ताले वाले ओरिजिन के लिए अन्वेषा गांगुली, दीपांकर रॉय, रेड स्टार ऑफ द प्ले, मरीदीप्ता पॉलिट, मत
यू, थैंक यू सो मच। एक बार और जरा जोरदार वाली सीटियां होते Soap Group, Rajasthan Film Festival, powered by Siddhi Ananta Group, the biggest award night of Rajasthani cinema.